वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आज राजीव दीक्षित गुरुकुल के अंदर उपस्थित हैं, बिहार के छपरा से एक रोगी जिनको नवंबर में दवा प्रारंभ हुई थी और कैंसर के ये रोगी हैं और उम्मीद छोड़ चुके थे और बिल्कुल अंतिम अवस्था में गुरुकुल के अंदर ये आए थे और आज लगभग 4 महीने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और आज आपका सभी रोगियों को ये संदेश भी हम देना चाहते हैं कि अगर आप परहेज करेंगे और समय से दवा लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप राजीव दीक्षित गुरुकुल से जुड़ के अपने घर के अंदर भी आप स्वयं दवा बना सकते हैं। जैसे कैंसर के रोगी चाहे दुनिया में कहीं भी हो, सबसे उत्तम जो दवा है जो हमारे वाग्भट संहिता चरक संहिता में लिखी है, गौमूत्र, हल्दी और पुनर्नवा, तो ऐसी तमाम औषधियाँ सभी रोगियों को बनानी भी सिखाई जाती हैं गुरुकुल के अंदर। आइए रोगी से हम मिलवाते हैं और रोगी के साथ में जो है उनसे परिचय करवाते हैं। जी अपना पहले परिचय बताएं। जी मेरा नाम निर्मला कुमारी है और मैं छपरा जिला से हूँ, बिहार डिस्ट्रिक्ट से, और मैं कैंसर की पेशेंट हूँ और मैं अपना उम्मीद खो चुकी थी कि मैं अब बचूंगी। सारे लोग पूछ रहे हैं कि 2-4 दिन बचोगे या 1 सप्ताह, लेकिन मैं यहाँ गुरुकुल में आई और गुरुजी को बताए, गुरुजी ने हमें दवा दिया और उससे मुझे बहुत ठीक हो गया। ये रोगी के साथ हैं जो दवा लाने के लिए लेके आए, ये थोड़ा विस्तार में बताएंगे इनकी क्या स्थिति थी। मैं रामजी शर्मा इनका भाई हूँ और मैंने इनको जब गुरुकुल के बारे में पता चला तो मैं लेके आया और लेके आने के बाद यहाँ दिखाया। गुरुजी ने जो दवाइयाँ बताई उसको इन्होंने बड़े अच्छे तरह से, जिस तरह से बताई गई थी उसी तरह से इन्होंने खाया और संयमित ढंग से रहा और जो दवाई ली उससे दवाई से हर एक 15 दिन पर इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन होने लगा। पहले इनको गैस होता था, गैस ख़त्म हो गया। इसके बाद इनको दर्द बहुत ज़्यादा रहता था जो कि अनबेरेबल पेन था, वो बर्दाश्त नहीं होता था, वो अनबेरेबल पेन इनका ठीक हुआ। और उसके बाद इनको जो है वो ये भूख नहीं लगती थी, भूख लगना शुरू हो गया। भूख लगने के बाद जो है एक पीठ के पीछे जो है बहुत दर्द होता था, वो दर्द भी ठीक हो गया। इसके बाद इनको ये गोल्ड ब्लैडर के पास पोर्शन फूला हुआ था जो कि काफ़ी बड़ा था, वो पहले 2 पार्ट में हुआ, 2 पार्ट के बाद धीरे धीरे अब मात्र एक छोटा सा गोला के रूप में रह गया, बहुत मिनिमम साइज, मटर साइज का रह गया है अब, जो कि मुझे आशा है कि आगे दवाई करने पर ठीक हो जाएगा। ये परिणाम मात्र 3 महीने के हैं उस कैंसर रोगी के हैं जो जीवन से उम्मीदें हार चुकी थी और जो गाल ब्लेडर के अंदर उनकी जो गांठें हैं, किडनी की गांठें, और बिल्कुल अंतिम अवस्था थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो आप सभी भारत में रहने वाले और भारत के बाहर रहने वाले सभी साथियों से मेरा निवेदन है, हर घर में एक देसी गौमाता ज़रूर पालें, क्योंकि जितनी भी समस्याएँ हैं इस राष्ट्र से संबंधित वो सभी समस्याओं का समाधान देसी गौमाता के अंदर है। वंदे मातरम, जय भारत। अगर भारत में कहीं भी कोई अनाथ बच्चा हो तो आप गुरुकुल के अंदर भेजें, उसको योग्य चिकित्सक तैयार करेंगे और राष्ट्र, प्रकृति और समाज की सेवा करेंगे। वंदे मातरम, जय भारत।